नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज बीजेपी ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। 6 अप्रैल को भाजपा अपना स्थापना दिवस मना रही है। आपको बता दें कि भाजपा ने आज 44वां स्थापना दिवस मनाया और इस मौके पर भाजपा इसको एक अलग ही तरीके से जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम नेताओं ने इस स्थापना दिवस को लेकर के अपने तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई दी। आपको बता दें कि इस समय भाजपा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी पार्टियों में से शुमार एक ऐसा नाम है जिसमें करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, और जिस तरीके से केंद्र में भाजपा शासित सरकार है तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इस जश्न का माहौल एक अलग ही रूप में देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये साफ कहा जा सकता है कि स्थापना दिवस पर भाजपा अलग अलग तरीके से कार्यक्रम आयोजित कर इस जश्न को मनाते हुए साफ तौर पर देखने को मिलने वाली है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उत्तराखंड में बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी का आज 45वां स्थापना दिवस और इसके तहत बूथ से स्तर से लेकर प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं अभी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं विभिन्न कार्यक्रम यहां पर चलाए जा रहे हैं। साथ साथ 70 विधानसभाओं में 70,000 जो पथ यात्रा है वो निकाली जाएगी, सम्मेलन किए जाएंगे। साथ साथ जो बूथ स्तर के अध्यक्ष हैं उनके लिए भी विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। साथ साथ आज प्रदेश कार्यालय की मैं बात करूँ तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट यहाँ पर थे, और जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो झंडा रोहन से की गई। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी स्क्रीनें यहाँ पर लगाई गई हैं, पूरे जो भाजपा कार्यालय को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगा दिया गया। 1980 में बात करें, पार्टी का पूरा गठन हुआ था, उसके बाद लगातार ये पार्टी ग्रो करती हुई नजर आई और उसके बाद आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्य करती हुई नजर आ रही है, और उसी के तहत जहाँ पर उनके नेताओं का ये कहना है कि जहाँ पर विपक्ष हमारा मजाक उड़ाता था कि ये कभी सत्ता में नहीं आएंगे, आज जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी वो 400 पार का नारा दे रही है। इसके साथ ही तीसरी टर्म में आकर वो नरेंद्र मोदी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और साथ साथ जो 400 पार का नारा रखा गया है उसे पूरा करेंगे। अब देखना होगा पार्टी और आने वाले समय में कितना मजबूत होती है, साथ साथ संगठन कितना मजबूत होते हुए देश को कितना आगे पहुँचाता है। कैमरामैन निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। यूपी में पीएम मोदी ने किया चुनावी प्रचार का आगाज। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए पूरी भाजपा तन मन के साथ जुटी हुई है। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए और भाजपा की सरकार बनाने के लिए मिशन पर निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में आज दूसरी बार पहुंचे। मोदी की सहारनपुर में विशाल रैली हुई जिसमें सीएम योगी समेत तमाम मंत्री और भाजपा प्रत्याशी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी को जिताकर तीसरी बार लगातार कमल खिलाने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश से गुंडा राज खत्म हो गया, माफिया राज खत्म हो गया। अब ना कोई धर्म के नाम पर वोट देता है, ना मजहब के नाम पर, बल्कि अब उत्तर प्रदेश का सिर्फ एक पहचान है, वो है विकास, और वो सीएम योगी ने लागू किया है। ऐसे में मोदी ने कहा तीसरी बार अगर सहारनपुर और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कमल खिलता है तो भारत विश्व की बड़ी ताकत बनेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की जहां सहारनपुर में रैली हुई, वहीं प्रधानमंत्री मोदी लगभग 5 बजे के बाद उनका गाजियाबाद में एक बड़ा लंबा रोड शो का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। रोड शो कार्यक्रम लगभग 1.5 किलोमीटर का प्लान किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क पे गुजरते हुए जनता को अभिवादन करेंगे और भाजपा का शक्ति प्रदर्शन करेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ।
राजस्थान में पीएम मोदी ने भरी चुनावी हुंकार, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल। राजस्थान का सियासी पारा बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय राजस्थान के दौरे पर हैं। आज पुष्कर पहुंचे, जब पुष्कर में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागीरथ चौधरी और नागौर प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के समर्थन में जनता से वोट मांगने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये आश्वासन दिलाते हुए कहा कि अब की बार 400 पार का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा है उसको राजस्थान की जनता उनकी झोली में भींचने वाली है। राहुल जांगिड, इंडिया वॉइस, जयपुर। बिजनौर में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत हुई शुरू, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जहीर अहमद। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। बात अगर बिजनौर जिले की जाए तो बिजनौर जिले की बिजनौर सीट और नगीना सुरक्षित सीट पर 19 अप्रैल को प्रथम चरण में वोटिंग होगी, जिसके लिए नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। अब नेताओं ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है और पार्टी के बड़े नेताओं भी अब मैदान में उतर चुके हैं। बिजनौर जिले की अगर बात की जाए तो बिजनौर जिले में कई नेताओं के दौरे भी लग चुके हैं। आज बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी अभी तक लोकसभा चुनाव के प्रचार से दूर थी। आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने बिजनौर के नगीना में पहुंचकर हिंदू इंटर कॉलेज के मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया और मन से लोगों को संबोधित करते हुए वोटरों को अपने पक्ष में करने का काफ़ी हद तक प्रयास किया। आकाश ने आज मन से जमकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कई तरह के कटाक्ष किए। साथ ही बगैर नाम लिए चंद्रशेखर आज़ाद पर भी जमकर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो आप लोगों के जो युवा लोग हैं उनको भड़का रहा है और भड़का करके आंदोलन के नाम पर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहा है। अगर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो उसे नौकरी में दिक्कत होगी, पढ़ने में दिक्कत होगी। तो कहीं ना कहीं आकाश ने चंद्रशेखर आज़ाद का बगैर नाम लिए उनके ऊपर भी कई तरीके कटाक्ष किए और लोगों को समझाकर फिर से बहुजन समाज पार्टी को वोट डालने के लिए और वोट करने के लिए अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। दिल्ली में सीबीआई ने बाल तस्करी के गिरोह का किया खुलासा, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। दिल्ली में एक बार फिर से बाल तस्करी का मामला सामने आया है, जहां सीबीआई की टीम ने देर रात को दिल्ली के अलग अलग इलाकों से बाल तस्करी के मामले में कई बच्चों का रेस्क्यू किया है। साथ ही इस मामले में कुछ लोगों को सीबीआई की टीम ने हिरासत में भी लिया है। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार को देर रात को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सीबीआई की टीम को ने गुप्त सूचना के आधार पर कई इलाकों में छापेमारी की और जब छापेमारी की तो यहां से टीम को कई बच्चे जो है बरामद हुए। इस गिरोह के बारे में जो खुलासा हुआ है वो पता ये चला है कि ये गिरोह तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए में बाल तस्करी किया करता था और बच्चों की खरीद फरोख्त किया करता था। इसी एक मामले में देर रात को केशवपुरम इलाके से भी सीबीआई की टीम ने दो बच्चों का सुरक्षित रेस्क्यू किया है। आपको बता दें कि इस गिरोह में जिन लोगों को पकड़ा उसमें कुछ अस्पताल के वार्ड बॉय भी शामिल बताए जा रहे हैं। लखनऊ में आरओएआरओ भर्ती पेपर लीक मामले में हुई गिरफ्तारी, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। एआरओ परीक्षा पेपर लीक मामले में एसटीएफ का एक्शन लगातार जारी है। एसटीएफ ने परीक्षा पेपर लीक मामले के एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी अमित सिंह ने कई ऐसे राज उगले हैं जिससे एसटीएफ और पुलिस पूरी तरह से हतप्रभ है। बता दें कि आरओएआरओ परीक्षा पेपर लीक हो गया था और इस मामले में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एसटीएफ पूरे ऑपरेशन में जुट गई थी। एसटीएफ लगातार परीक्षा पेपर लीक मामले में कार्रवाई कर रही है। 4 दिन पहले एसटीएफ ने आरओएआरओ परीक्षा पेपर लीक मामले के सरगना राजीव नयन मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया, जिससे एसटीएफ ने कई राज उगलते हुए एसटीएफ ने राजधानी लखनऊ से राजू नयन मिश्रा के खास गुर्गे यानी अमित सिंह को गिरफ्तार किया। लखनऊ में सपा मुख्यालय के सामने लगी मुख्तार अंसारी की होर्डिंग, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। माफिया से मान्य बने मुख्तार अंसारी को लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान सियासत तेज हो गई है। खासकर समाजवादी पार्टी अब मुख्तार अंसारी को लेकर
कोई भी मुद्दा हाथ से जाने नहीं देना चाह रही है। कहा यह भी जा रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं को लेकर मुख्तार अंसारी अब मुद्दा बन चुके हैं और शायद यही वजह रही कि आज समाजवादी पार्टी के नेता राम सुधाकर यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय के ठीक सामने मुख्तार अंसारी की होर्डिंग लगा दी और उसमें यह लिखा कि मुस्लिम लोग मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर ईद न बनाएं और साथ ही साथ मौन धारण भी करें। हमारे ठीक बाईं तरफ सपा कार्यालय है और बता दें कि ठीक अपोजिट यानी दाहिने तरफ सड़क के इस पार इसी स्थान पर बुलंदशहर पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण शर्मा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी का प्रचार करने और वोटों की अपील करने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बूथ सम्मेलन को किया संबोधित। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए सपा सरकार और कांग्रेस पर भी जमकर साधा। पत्रकारों के सवाल पर कहा कि जो अखिलेश यादव हैं वो मुख्तार अंसारी के यहाँ अब जा रहे हैं और वहाँ पर जो श्रद्धांजलि देने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया है उसको लेकर कहा है कि सपा सरकार गुंडों माफियाओं की सरकार है और सपा सरकार ने कोई विकास नहीं किया जिसका उन्हें खामियाजा अब की बार झेलना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के जो मुखिया राहुल गांधी हैं उन्होंने कहा था कि युवा नशेड़िए तो उनका नशा उत्तर प्रदेश से और पूरे केंद्र से युवा और वोटरों ने ख़त्म कर दिया है। भाजपा प्रत्याशी महेश शर्मा के वोटों की अपील करने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बुलंदशहर के खुर्जा पहुंचे थे। लोकसभा सीट खुर्जा गौतम बुद्ध नगर लगती है, वहां बूथ सम्मेलन को संबोधित किया और लोगों से महेश शर्मा के पक्ष में वोट डालने की भी अपील की है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। लखनऊ में समाज विकास क्रांति पार्टी की दूसरी लिस्ट हुई जारी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। लोकसभा चुनाव में नई राजनीतिक पार्टियां अपनी ताल ठोकती नजर आ रही हैं। इसी तरह आपको बता दें समाज विकास क्रांति पार्टी भी लगातार अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर रही है। वहीं पूर्व में भी इसने एक अपने 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी, वहीं आज एक 10 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। वहीं पे जो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अशोक सिंह, उनका साफ तौर से कहना है बीजेपी पर सरकार जिस तरह से जनता को गुमराह कर रही है राशन बांट के, उनकी आगे की जो उन्नतियां हैं जिस तरह से नौकरियां हैं उनको नौकरियों के लुभावन सपने दिखा के खाली राशन पर टरका रही है। वहीं अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम 1 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे। वहीं अशोक सिंह ने तमाम जनता से वादे करते हुए अपनी उपस्थिति इस चुनाव में दर्ज करा दी है। वहीं आपको बता दें ये जो पार्टी है समाज विकास क्रांति पार्टी, इसके अभी तकरीबन 25 से 26 प्रत्याशी ये अपने उतार चुकी है, आगे भी इनके और प्रत्याशी उतारने का इरादा है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइज। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। आम आदमी पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आज न्याय हिरासत खत्म हो रही थी, लेकिन सुनवाई के बाद उन्हें अब 18 अप्रैल तक न्याय हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि मनीष सिसोदिया पिछले 13 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है क्योंकि शराब नीति को लेकर के जिस तरह से आरोप लगाए हैं ईडी लगातार उसमें जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभी तक और क्या क्या सबूत इकट्ठे किए गए हैं, जो कि अगली जो सुनवाई होनी है वो 18 अप्रैल को होना है। अब देखना ये होगा संजय सिंह की तरह क्या उनको भी रिहाई मिल पाएगी, क्योंकि उन्होंने जो एक लेटर लिखा था कि मैं भी बहुत जल्द बाहर आने वाला हूं, इस उम्मीद के आधार पर आज उनकी सुनवाई की गई। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेताओं को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में देखना यह होगा कि आखिरकार कल दिल्ली में एक रैली भी है, क्या संजय सिंह उसमें मनीष सिसोदिया का जिक्र करेंगे या जो सिलसिले लगातार आम आदमी पार्टी ईडी पर आरोप लगा रही है कि वो जबरन बिना सबूत के आम आदमी पार्टी के उन नेताओं को जबरन जेल में डाल रही है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वाइज। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में अब्बास अंसारी ने दाखिल की याचिका। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं
हमारे संवाददाता अजय चौहान। अब्बास अंसारी की 9 अप्रैल को सुनवाई है। अब्बास अंसारी ने मुख्तार अंसारी के चार्ज में भाग लेने की बात कही थी, उसको लेकर 9 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई है। अब्बास अंसारी बांद्रा जेल में बंद हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से सुरक्षा को लेकर के अभी उन्हें रिहाई नहीं दी जा रही, देखना होगा क्या 9 अप्रैल को उनको 40वें में शामिल होने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। लेकिन लगातार जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई उसमें वो शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन अब्बास अंसारी ने कहा कि मुझे उनके 40वें में होने में इजाज़त दी जाए, और कोर्ट ने आज सुनवाई की थी, लेकिन अब 9 अप्रैल को इसकी सुनवाई होनी है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वाइज। एलविश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। एलविश यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ नोएडा पुलिस ने 1200 पन्ने की चार्जशीट दाखिल कर दी है। दरअसल आपको बता दें, एलविश यादव जो कि पिछले नवंबर के महीने में एक बैंकट हॉल के अंदर अपने साथियों के साथ रेप पार्टी कर रहे थे, इसी दौरान जब पीपल फॉर एनिमल की संस्था के पदाधिकारी गौरव गुप्ता ने नोएडा पुलिस को सूचना दी कि वो सांपों की तस्करी के साथ साथ रेप पार्टी में जो है जहर का भी प्रयोग करते हैं, जिसको लेकर नोएडा पुलिस ने वहां छापेमारी की। छापेमारी के दौरान वहां से नोएडा पुलिस ने जो जहर का सेवन किया जा रहा था 20 ml का, उसको बरामद किया और जयपुर की फोरेंसिक लैब में भेज दिया था। 17 मार्च को एलविश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और छत्तीसगढ़ में जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला। जवानों को फिर मिली बड़ी कामयाबी। जी हां, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की संयुक्त टीम ने एक सर्चिंग ऑपरेशन नक्सलियों के लिए जारी किया। यह नक्सली ऑपरेशन छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर के केरिकेटा के जंगलों में हुई, जिससे 3 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, नक्सलियों से अत्याधुनिक हथियार भी जवानों ने बरामद किया। साथ ही साथ आपको एक महत्वपूर्ण बात ये भी बता दें, तीनों नक्सलियों में एक नक्सली 25 लाख का इनामी बताया जाता है, उसका नाम सागर है। अमेठी में ग्रामीणों ने लगाए बैनर और काले झंडे, क्यों लगाए बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है। 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, 5वें चरण में अमेठी में मतदान होना है। ऐसे में संग्रामपुर ब्लॉक के भवानीपुर भौसिनपुर के ग्रामीण अपने घरों पर काला झंडा लगाते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं का बोर्ड लगाकर 2024 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी हमें अपने गांव में आने जाने के लिए कोई रोड नहीं है। महोबा में ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शारिक नवाज। सड़क नहीं तो वोट नहीं, महोबा के कुलपहाड़ तहसील के अंतर्गत ग्राम सीगौन में ग्रामीणों के द्वारा कुछ इसी प्रकार के बैनर टांगे गए हैं। ग्रामीणों के द्वारा कहा गया है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। बताते चले कि 50 वर्षों से अधिक हो जाने के बाद भी इस गांव में आज तक सड़क नहीं पहुंची, और इसी को लेकर ग्रामीणों में खासा नाराजगी है और उन्होंने मत का अपना इस्तेमाल करने से मना कर दिया। उनके द्वारा कहा गया कि जब तक यहां पर सड़क नहीं डल जाएगी, जब तक वह बोर्ड नहीं डालेंगे। और मिर्जापुर में दिव्यांगों ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। भारत में लोकसभा चुनाव को देखते हुए जब से बिगुल बजा है, तब से आपको बता दें कि हर एक जिले में मतदाता जागरूकता रैली निकाली जा रही है। आपको बता दें, कभी नाव से, कभी सड़क पे, कभी बस से, कभी ऑटो से, हर जगह जो है कि हर प्रदेश में जो मतदाता जागरूकता निकाली गई थी, पर आज मिर्ज़ापुर जनपद में भी मतदाता जागरूकता निकाली। आपको बता दें, यहाँ इस मतदाता जागरूकता में जो वृद्ध जन और विकलांग जन जितने भी है, सब लोग समस्त मिर्ज़ापुर इकट्ठा होकर और सड़कों पर निकले हैं मतदान जागरूकता करने के लिए। निर्देश देते हुए बताया गया है कि सिर्फ अपने उसी प्रत्याशी को चुने जो 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 आपको जो आपका काम करते कि अन्यथा उनके झांसे में ना जाए और किसी के भाग। अमरोहा में ऑटो रिक्शा चालक ने किया नामांकन, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान।
अमरोहा में लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हैं। वहीं अमरोहा से लोकसभा चुनाव में एक रिक्शा चालक ने निर्दलीय नामांकन कराया था, जिसका नामांकन खारिज होने के बाद उसने जिला कलेक्ट्रेट पर खूब हंगामा किया, जिसके बाद वह जिला कलेक्ट्रेट पर फूट फूट कर रोया, जिसका वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। हालांकि पुलिस प्रशासन के सामने रिक्शा चालक ने खूब रो रोकर बीजेपी प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरा मामला अमरोहा जनपद का है, जहां पर अमरोहा लोकसभा चुनाव को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में भारी संख्या में प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन कराया, जहां पर लगभग 9 प्रत्याशियों के यहां पर नामांकन खारिज हुए हैं, जिसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी रिक्शा चालक अमीर चंद ने चौहान ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया था। उन्होंने लोकसभा बांदा में पुलिस और एसओजी टीम को मिली है बड़ी कामयाबी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप कुमार। लोकसभा चुनाव आते ही जनपद की पुलिस जो है हरकत में आ गई है और लगातार आदर्श आचार संहिता का पालन कराने हेतु लगातार पुलिस के द्वारा जगह जगह छापेमारी की जा रही है। आज की अगर बात करें तो आज जो है पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने अवैध जनपद में चल रही अवैध असलाह फैक्ट्री पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान लगभग 2 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनके पास से लगभग 13 अवैध तमंचे और 2 बंदूकें बरामद की गई हैं। साथ ही भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए गए हैं। साथ ही जिस तरह से जो पुलिस की टीम वहां पर काम कर रही थी, स्थानीय पुलिस की टीम और एसओजी की टीम ने जो मिलकर के इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था, पुलिस अधीक्षक के द्वारा लगभग 25,000 रुपये का इन दोनों टीमों को इनाम दिया गया है। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।